और राजधानी लखनऊ में अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय की तमाम महिलाएं शुक्रिया मोदी भाई जान की तख्ती हाथों में लिए नजर आई। साथ ही कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं ने का कहना है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो या राशन वितरण, इन सभी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज की महिलाओं को मिला है। वहीं इस अवसर पर बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को संबोधित किया। लखनऊ से आयुषी शर्मा की रिपोर्ट। शुक्रिया मोदी भाईजान के इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हुई और हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश भर से मुस्लिम महिलाएं यहाँ एकजुट हुई और सबने एक स्वर में कहा शुक्रिया मोदी भाईजान। और ये शुक्रिया इसलिए कि पहली बार मुस्लिम महिलाओं का ऐसा लगता है कि ऐसे एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी के रूप में जो मुस्लिम महिलाओं के विकास के लिए, उनके तरक्की और तालीम के लिए, आपसी भाईचारे के लिए और मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं बिना भेदभाव और बिना भ्रष्टाचार के। 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम किया है। ऐसा प्रोग्राम कभी कहीं हुआ नहीं है। ये हिस्टोरिकल प्रोग्राम है। जो लोग मुस्लिम समाज के वोट की सियासत करते हैं उनको आज रात में नींद नहीं आनी, उनको नींद की दवा लेनी होगी, क्योंकि यहाँ मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं शुक्रिया मोदी भाईजान, क्योंकि जो उन्होंने ट्रिपल तलाक के लिए किया, जो महिलाओं को हकूक के लिए उन्होंने काम किया और जितनी भी योजना मोदी जी की है वो सबके लिए बराबर है। आज गरीब कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने मुस्लिम समाज को गरीब बनाया, गरीबी रेखा के नीचे लाए, और गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री हुआ तो गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए प्रोग्राम बनाया।